एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में शुमार बेड़िया मिर्च मंडी को विस्तार देने एवं सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए नवीन मंडी का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए चिन्हित की गई जगह की जद में लाछोरा एवं आसपास के क्षेत्र की कृषि भूमि भी आ रही है। इस पर किसान आपत्ति जता रहे हैं। यहाँ के कृषकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी कृषि भूमि को अधिग्रहित करने पर आपत्ति जताते हुए नवाड़ पट्टों की मांग की है। कृषकों ने बताया कि पूर्वजों के समय से उनका उक्त जमीन पर कब्जा है। वर्तमान में सरकार भी कहती है कि जिसका कब्जा उसको जमीन का कब्जा यानी पट्टा दिया जाएगा। अब मंडी निर्माण के दौरान हमारी बगैर मर्जी के जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिनका न तो मुआवजा दिया जा रहा है और न ही दूसरी जमीन आवंटित की जा रही है। ऐसे में हमारी कृषि भूमि छीनने से जीवन उपार्जन का सहारा छिन जाएगा। किसानों ने मांग की है कि उन्हें कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने के साथ ही अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा अथवा अनुदान दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हम ये मांग लेके आए हैं कि हमारे 1961 से काफी लोग हैं हम पट्टे के लिए और हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, कहीं स्कूल बन रही है, कहीं मंडी निर्माण हो रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। आज डिप्टी कलेक्टर जी को हमने ज्ञापन दिया है, हमारा 1961 से कब्जा है, अभी तक हमें पट्टा नहीं मिला है और शासन का नियम है कि पट्टा दिया जाए। शासन का मामला है, क्या समस्या आ रही है सर? ये बेड़िया और लछोरा का मामला है, दो जमीन का मामला है, तहसील सनावत जिला खरगोन का मामला है सर। क्या समस्या आ रही है? हमारी जमीन अधिग्रहण हो रही है, कोई की जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा है और शासन हमारी जमीन को बेदखल कर रहा है और हमें कुछ मुआवजा कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्या मांग करते हैं? हमारी जमीन का पट्टा मिल जाना चाहिए या फिर हमें कुछ शासन के निर्देश अनुसार हमें मुआवजा दिया जाए, जो जमीन अधिग्रहण हो रही वो। क्या परिवार के लोग हैं वहाँ? यहाँ सर करीबन 60 परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? बोलू बेड़िया में सर। बेड़िया सनावत से आए हम, और बेड़िया से प्रॉपर बेड़िया से आए हैं। हमारे जमाने को पट्टे नहीं मिल रहे सर, 1962 का कब्जा है हमारे पास और शासन ऐसा पटवारी और ये विधायक सर के पास गए थे तो उनने हमारे को यहाँ पे भेजा है। उनने ऐसा बोले वहाँ जाओ, क्या होता है वहाँ पे। हम यहाँ पे आए सर, भाई डिप्टी साहब तो मना करके बिल्कुल मना बोल रहे, बोले जमीनों को पट्टे नहीं मिलेंगे आपके, ऐसा बोल रहे हैं। और जो जिनकी जमीन जा रही है मंडी में उनको भी साफ मना कर रहे हैं, कहीं मुआवजा वावजा कहीं नहीं मिलेगा बोले, और शासन की जमीन ऐसा बोल रहे हैं। तो हम कहाँ जाए सर, गरीब लोग। डिप्टी साहब ने, डिप्टी कलेक्टर, क्या समस्या आ रही? कितने परिवार के लोग सर? हमारे कम से कम 60-70 के आसपास के लोग हैं हमारे, जिनकी जमीन है। हम 60 साल से 1960 से कब्जा करके हम खा पी रहे, हमारा शोषण चल रहा है, हमारा परिवार का सब भरण पोषण हो रहा सर। अचानक से मतलब ये मंडी आने के कारण हमारे को बोल रहे हैं, बोले सब तुम्हारी जमीनें जाएगी, तो ऐसा ऐसे कैसे सर चले जाएगी? हमारा क्या होगा सर? स्कूलें बना रहे हैं मन से, हमारे को बोला भी नहीं, हमारे खेतों में स्कूल बनाने लग गए हैं, कोई मंडी के हिसाब से दीवार खेत में दीवार बनवा दी है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारे को पट्टे दिए जाए, जो हमारी जमीन बची है और जो जा रही है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? राजा राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।